मैं हुसैनिया अदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पिछले दिनों महाराष्ट्र में मस्जिद पर लाउडस्पीकर को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मस्जिद पर से लाउडस्पीकर को हटाने के लिए विरोध किया था। मामला अब शांत ही हुआ था, लेकिन एक बार फिर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर मुंबई में समूह अध्यक्ष की बैठक में बयान दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि ये बाला साहेब ठाकरे की दिली इच्छा थी कि मस्जिद को बंद कर दिया जाए, लेकिन हम तो सिर्फ लाउडस्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मस्जिद पर से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। मैं महाराष्ट्र के जवानों से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी मस्जिदों पर लाउडस्पीकर दिखे, पहले पुलिस के पास जाए और शिकायत दर्ज कराए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो उन पर अदालत की अवमानना का मामला दर्ज हो सकता है। तब भी पुलिस कार्रवाई करने से पीछे हटती है तो एक बड़ा ट्रक लेकर एक बड़ा स्पीकर लगा दे और पुलिस स्टेशन के सामने हनुमान चालीसा बजाए। की मशिदींवरचे भोंगे उतरवले गेले काय पाहिजेत, मनापासून त्यांची ती इच्छा होती पूर्ण आपण केली। याचं कारण आपण भोंगे काढा नाही सांगितलं, नाही काढले हनुमान चालीसा लावू, आणि या एका गोष्टीसाठी निघाले। तरीही माझ्या गटाध्यक्ष बांधवांनो, भगिनींनो, माझ्या महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम महाराष्ट्र सैनिकांनो, अजूनही काही ठिकाणी चरबी उतरलेली नाही। जिथे जिथे म्हणून हे असले भोंगे जर जोरात चालू असतील, पहिली पायरी पोलिसांमध्ये कंप्लेंट करायची। पोलिसांनी जर ऍक्शन घेतली नाही तर पोलिसांवरती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ची केस होऊ शकते। न्यायालयाचा अपमान केल्याची केस होऊ शकते पोलिसांवरती। त्याच्यामुळे मी पहिल्यांदा परत तुम्हाला सांगतोय की पहिल्यांदा पोलिसांना जाऊन भेटायचं की इथे अजूनही तिकडे स्पीकर चालू आहेत, मोठ्याने स्पीकर चालू आहेत, पहिले बंद करा। आणि पोलिसांकडनं काही जर समजा झालं नाही, मोठ्या ट्रकवरती मोठे स्पीकर लावून हनुमान चालीसा त्यांच्या समोर वाजवा। त्याशिवाय वट्टीवरती येणार नाही ते। जोपर्यंत आरेला कारे होत नाही ना, तोपर्यंत असंच राहणार।